प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ शहरी इकाई हमीरपुर के चुनाव आयोजित किए गए, जिसमें विभिन्न विभागों से आए हुए कर्मचारियों द्वारा एक सशक्त शहरी इकाई का सर्वसहमति से गठन किया गया। शहरी इकाई के चुनाव जिला पर्यवेक्षक राकेश पठानिया, ओपी शर्मा, चुनाव अधिकारी विजय तिमहान व सहायक चुनाव अधिकारी प्रवीण शर्मा की देखरेख में विश्राम गृह हमीरपुर में आयोजित किए गए, जिसमें रवि पठानिया को प्रधान, मंजीत पठानिया को महासचिव, मंजीत सिंह व मीना चंदेल को वरिष्ठ उप प्रधान, अंजुला दिवान, सुमन बाला, नवीन शर्मा व संजीव कुमार को उप प्रधान, कुमारी व सुमना कुमारी व मधुसूदन को संयुक्त सचिव, सुनील दत्त को मुख्य संगठन सचिव, कमल कुमार व मुनीलाल को संगठन सचिव, रजनीश कुमार को वित्त सचिव, विनोद कुमार को प्रेस सचिव, दीपक पठानिया को मुख्य सलाहकार और अवधीश शर्मा को अतिरिक्त महासचिव नियुक्त किया गया। बैठक में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि जिला का चुनाव 18 अप्रैल को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर के सभागार में सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। संयोजक सुमन बनियाल ने बताया कि प्रदेश संयोजक विनोद कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। आज ये सभी कर्मचारियों ने जो है अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का शहरी इकाई का प्रधान चुना है। मैं सभी कर्मचारी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। इससे जो है जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको बहाल कराना है, तो उसके लिए हम सरकार से पूरे जोर से अपने कर्मचारी साथियों की इस मांग को उठाएंगे। और दूसरी समस्या जो आवास की है, कर्मचारियों की जो आवास जो क्वार्टर है वो बहुत कम है, उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। सर मैंने आपको बता दी, दूसरी तीसरी समस्या बसेस की सर बहुत समस्या है। हमारे जो कर्मचारी जो 5-7 किलोमीटर सोनी से आते हैं उनको बहुत समस्या आती है, और जिनके पास गाड़ियाँ उनको पार्किंग के लिए समस्या आती है। तो ऐसी कुछ डिमांडें हैं अभी ध्यान में, बाकी जो भी नई डिमांडें आएंगी उन सबको लेके हम सरकार के साथ बात करेंगे।